प्यारे बच्चों, कामे मियाँ को जानवरों से बड़ी मोहब्बत थी। उन्होंने एक बिल्ली पाली हुई थी। वो बड़ी प्यारी, सफ़ेद, नरम और मुलायम बालों वाली बिल्ली थी। कामे मियाँ हर वक्त अपनी बिल्ली के लाड उठाते रहते थे। इतनी तवज्जो और मोहब्बत पाकर बिल्ली थोड़ी मगरूर हो गई। एक बार कामे मियाँ अपने दोस्तों के साथ जंगल की सैर को गए। वहाँ उन्हें एक प्यारा मासूम सा खरगोश मिल गया। बस फिर क्या, कामे मियाँ तो थे ही जानवरों के शौकीन। वो खरगोश को घर ले आए और बड़े प्यार से पालने लगे। ये देखकर बिल्ली हसद के मारे जल गई। जब वो कामे मियाँ को खरगोश के साथ खेलते और प्यार करते देखती तो गुस्से से उसका खून खोल कर रह जाता। दिल में सोचती कि क्या इस कमबख्त का रंग मुझसे भी ज़्यादा सफ़ेद है या इसके बाल मुझसे भी ज़्यादा नरम और मुलायम है। नहीं, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं। जब कामे मियाँ घर से बाहर जाते तो बिल्ली को तो मौका मिल जाता। वो बेचारे खरगोश को डराने के लिए खूब गराती और अपने तेज नाखूनों से उस पर हमला करने की भी कोशिश करती। ऐसे में खरगोश कोने खुरदरे में छुपकर अपनी जान बचाता। उसका नन्हा सा दिल खौफ से कांप उठता। एक बार सख्त गर्मियों का मौसम था। तेज धूप ने सबको निढाल कर दिया था। सब घर वाले अपने अपने कमरों में दोपहर के खाने के बाद सो रहे थे। मियाँ खरगोश बिल्ली के डर से सहन में बने एक कबाड़ सी जगह में छुपे हुए थे और बिल्ली साहिबा सहन में आराम फरमा रही थी। हर तरफ गर्मी का आलम था। अचानक गली में खेलने वाले सहन का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला और एक मोटा ताज़ा स्याह रंग का कुत्ता अपने सुर्ख आँखों के साथ गर्मी से हांफता हुआ अंदर घुस आया। बिल्ली हड़बड़ा कर उठी और कुत्ते को देखते ही रह गई। कुत्ते की नज़र जब बिल्ली पर पड़ी तो वो बिल्ली की जानब बढ़ा। बिल्ली ने डर के मारे हल्की सी आवाज निकाली। दो छत्ती पर सोए हुए खरगोश की आंख खुल गई। उसने नीचे झांका और सारा माजरा देखकर उसका नन्ना सा दिल खलक में आ गया। कुत्ता गराता हुआ बिल्ली की जानब बढ़ा। ये मंजर देखकर खरगोश के दिल में ख्याल आया कि चलो अच्छा है, आज बिल्ली बेगम को मज़ा आ जाएगा। कितना जलती थी मुझसे, हर वक्त मेरे सुकून की दुश्मन बनी रहती थी। आज उसे पता चल जाएगा। मगर फिर अचानक उसकी नेक फितरत ने उसके दिल को समझाया कि चलो जैसी भी है, मेरी साथी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर खरगोश ने आसपास नज़र दौड़ाई तो उसे आटे का खाली कनस्तर नज़र आया। खरगोश मियाँ ने पूरा जोर लगाकर कनस्तर को धक्का दिया और दो छत्ती से नीचे फेंक दिया। कनस्तर धड़ाम की आवाज़ के साथ सीधा कुत्ते के ऊपर आकर गिरा। कुत्ता इस अचानक मुसीबत से ऐसा बदहवास हुआ कि बौखला कर भाग उठा। तब बिल्ली की निगाह ऊपर दो छत्ती पर बैठे खरगोश पर पड़ी। खरगोश के साथ उसे अपने बुरे सलूक का शिद्दत से एहसास हुआ और उसने खरगोश से माफ़ी मांग ली। इसके बाद दोनों में बड़ी पक्की दोस्ती हो गई। प्यारे बच्चों, आप भी दूसरों के साथ हसद ना किया करें, बल्कि एक दूसरे की मदद किया करें।